गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में भर्ती हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने कोरोना जांच कराई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। हमारे साथ हमारे रांची से वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए। नवीन, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्या जो उनके लोगों संपर्क में जो लोग आए थे उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है? क्या उनकी रिपोर्ट भी सैंपल के लिए लिया गया है? जी, अदर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि कोरोना अब घर घर पहुंच गया। जो वीआईपी हैं, तमाम बड़े जो वीआईपी हैं, इससे पहले इसके कई नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज अमित शाह भी इस कड़ी में पॉजिटिव पाए गए हैं। जी देखिए, फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के बाद मैंने कोरोना जांच कराई थी, उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरअसल उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने कहा कि तबीयत उनकी ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों को कुछ संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें अप्रोच किया गया कि आप कोरोना टेस्ट कराइए। और जब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो बाकायदा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके बाद उन्होंने जो लोग हाल के दिनों में उनके जो लोग मिले थे, जो तमाम लोग उनके संपर्क में आए थे, चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, तमाम लोगों को उन्होंने आग्रह किया है कि वो कोरोना का जांच कराएं और खुद को आइसोलेट करें। बिल्कुल जी। लेकिन नवीन, इन सब के बीच ये भी इस बात से समझा जा सकता है कि कोरोना के केस अगर खास तौर पर भारत की बात की जाए, बिहार झारखंड की बात की जाए, तो असिम्प्टोमेटिक कोरोना ज्यादातर केस ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो ट्वीट किया है उसमें भी वो ये वही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं था। और बिहार झारखंड की बात करें तो 90% से ज्यादा बिहार में भी ऐसे केस शुरुआती दौर से निकलकर सामने आए जो असिम्प्टोमेटिक थे। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक के मामले में जो WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार, जो कह सकते हैं कि भारत की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा भी इस पूरे मामले में कहा गया कि जो एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, इन मामलों में कोरोना में ज्यादा खतरा नहीं है। यानी अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीज है आप, तो आप खुद को घरों में आइसोलेट करके भी खुद को बचा सकते हैं और सुरक्षित कोरोना से बाहर निकल सकते हैं। दिल्ली में इसका हमने ताजा उदाहरण देखा, जिस तरीके से एसिम्प्टोमेटिक लोगों को वहां पर केजरीवाल सरकार ने लोगों को घर में ही आइसोलेट किया, जो मेडिकल की टीम उन्हें घर में भेजी और आइसोलेशन के बाद बहुत लोग, ज्यादातर मामले 70% मामले जो एसिम्प्टोमेटिक थे उसमें मरीज ठीक हो गए। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक मामले कुछ मामले खतरनाक हो सकते हैं। अचानक जब वो अटैक होता है, सांस लेने में अचानक से परेशानी हो गई, फेफड़े में फेफड़ा जो है वो उसमें संक्रमण बढ़ गया, आपको पता नहीं चला और सडनली आपके ऊपर अटैक होता है, तो ये केवल 3-4% मामलों में ऐसा होता है। एसिम्प्टोमेटिक जो मामले होते हैं उसमें ठीक है। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और साथ ही जो लोग उनके संपर्क में आए उन्होंने ये अपील की है कि वो लोग भी अपनी जांच करवाएं।